दोस्तों 80 के दशक में पाकिस्तान से भारत आई एक खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। नीली आंखों वाली यह अदाकारा जिसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग नजर आती थी। यह अदाकारा एक्टिंग के साथ साथ गायकी में भी पारंगत थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुई अभिनेत्री ब्रिटिश नागरिक थी। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, एक अमेरिकी पति दो पाकिस्तानी पतियों को छोड़ने के बाद दुबई के एक व्यक्ति से चौथी शादी करने के बावजूद भी ये भारत में अकेली जिंदगी गुजार रही हैं। और कैसे इस अभिनेत्री का फिल्मी कैरियर तबाह हुआ, आइए जानते हैं। तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? मैं तुम्हारी लौंडी नहीं, तो तुमने मुझे आजाद किया, और न ही तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सलमा आगा की, जो अपनी पहली फिल्म निकाह के गाने से ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंच गई थी। इस फिल्म में तीन तलाक के दर्द से गुजर रही मुस्लिम महिलाओं के बारे में भी दिखाया गया था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक? नहीं, तलाक। खुदा के लिए नहीं, तलाक। जिससे खासकर महिलाओं का इस फिल्म को खूब सपोर्ट मिला। दोस्तों सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। इनकी मां जरीन पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से जानी जाती थी, और इनके पिता लियाकत गुल आगा ईरानी मूल के थे जो पाकिस्तान में व्यापारी थे, और अमृतसर में भी इनका कारोबार था। सलमा की पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई और उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली। सलमा पढ़ाई के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक भी सीखने लगी। इसी दौरान राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी के दौरान लंदन में रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ सलमा की मां को भी इनवाइट किया गया था। बताया जाता है कि इस पार्टी में सलमा की मुलाकात बीआर चोपड़ा से हुई, जो अपनी फिल्म में मुस्लिम हीरोइन की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सलमा को देखते ही अपनी फिल्म का ऑफर दे दिया और उनकी आवाज सुनकर गाने गवाने का भी फैसला लिया। इस तरह से सलमा भारत आ गई, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। तीन तलाक के मुद्दों पर बनने वाली यह पहली बॉलीवुड फिल्म थी। मैं पूछती हूँ कि जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ और ना का दखल क्यों नहीं जरूरी? पहले फिल्म का नाम तलाक 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 रखा गया था, पर मुस्लिम समुदाय के विवादों के बाद इसे बदलकर निकाह कर दिया गया। फिल्म में सलमा आगा ने अपने ऊपर फिल्माए गए सारे गीतों को आवाज दी, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए। का फिल्म के बाद सलमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। ताकि दूसरे शरीफों से कहिए कि यहाँ से अपनी अपनी औलाद पहचान के ले जाए, क्योंकि तवायफ किसी किसान मजदूर या गरीब का खून नहीं होती। यहाँ कोई किसी सरमायेदार की औलाद होती है तो कोई किसी जागीरदार की बेटी। इसके बाद उनकी कोई भी फिल्म निकाह की तरह नहीं चल सकी। बताया जाता है कि सलमा आगा ने एक्टिंग से ज्यादा अपनी सिंगिंग पर फोकस किया। वो फिल्म निर्माताओं पर दबाव डालती थी कि जिस फिल्म में वो काम करेंगी उनके गाने भी खुद ही गाएंगी। जाहिर है हर फिल्म निर्माता उनकी यह शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, तेरी मोहब्बत। ऐसे में सलमा ने अपनी जिद की वजह से कई अच्छी फिल्में भी छोड़ दी, जिससे भारत में फिल्म निर्माताओं ने सलमा को सीरियस लेना बंद कर दिया। इसके साथ ही सलमा अपने रिश्तों को लेकर भी चर्चा में बनी रही। सलमा अपने करियर के प्रति गंभीर नहीं थी और आखिरी बार वे 1996 में गहरा राज फिल्म में नजर आई। धीरे धीरे शोहरत उनसे छिनती चली गई और उनका जलवा बिखर गया। सलमा आगा ने फिल्मों में लॉन्च होने से पहले ही न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन महमूद सिब्रा से शादी की। निकाह के बाद वो सलमा से अलग हो गए। इसके बाद सलमा ने 1980 में पाकिस्तान के अभिनेता और फिल्म निर्माता जावेद शेख से दूसरी शादी की। जावेद पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। सलमा का यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए।
फिर साल 1989 में सलमा ने पाकिस्तान गई स्क्वेश खिलाड़ी रहमत खान से तीसरा निकाह किया। वो लंदन में सलमा के पड़ोसी हुआ करते थे। रहमत खान के दो बच्चे हैं, सासा आगा और अली आगा। यह शादी 2010 तक चली। इसके बाद रहमत खान ने किसी और से शादी कर ली और तीसरे पति से भी सलमा आगा का तलाक हो गया। नहीं विजय बाबू, हम पहले ही बहुत गुनाहगार हैं। इतने बड़े गुनाह का बोझ हम नहीं उठा सकेंगे। गौरी, इसके बाद सलमा आगा ने दुबई के बिजनेसमैन मंजर खान से चौथी शादी की। उस समय सलमा आगा की उम्र 55 साल थी। सलमा के चौथे पति से एक लड़की हुई जिसने फिल्म औरंगजेब से फिल्मों में एंट्री की। फिलहाल सलमा आगा मुंबई में अपने बच्चों के साथ रहती हैं और उनके चौथे पति दुबई में रहते हैं। चुपके चुपके रात दोस्तों, आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के किस्से कहानियों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।